लेकिन मैं एवरीवन मुझे बुरी उम्मीद है आप सब लोग जो है वो ठीक होंगे। तो यार वेलकम टू वर न्यू वीडियो। यार आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम पीएमएसएल के रिलेटेड बात कर रहे होंगे। तो पीएमएसएल का जो है वो आज डे 5 खत्म हो चुका है और टीम आईएड ने भी जो है वो एक तरह का जो है वो कमबैक कर लिया है। दो जी कंटेनर्स जो है वन है उसका डे 5 आज खत्म हो चुका है और टीम आईएड ने जो है वो एक तरह का कमबैक आप कह सकते हैं कर लिया। काफ़ी जो है वो हेट मिल रही थी टीम आईएड को क्योंकि वो जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे और ये हर इवेंट की यही कहानी होती है के प्ले फैंस जो हैं वो पहले हेट करते हैं उसके बाद जो है वो फिर फैंस टीम के साथ हो जाते हैं। तो मेरा तो इसमें यही ओपिनियन है यार, अगर आप अच्छे वक्त में टीम के साथ होते हैं तो बुरे वक्त में भी आपको उनके साथ होना चाहिए। तो बाकी जो है वो मैं आपके साथ ये फाइट्स वगैरह जो भी थी आज के दिन की टीम आईएट की वो इंक्लूड कर देता हूँ। बाकी कल से जो है वो हम पीएमएसएल की प्रॉपर कवरेज जो है वो शुरू कर देंगे। मैं जो है वो थोड़ा बिज़ी हो गया था कुछ कामों में तो इसलिए पीएमएसएल की जो है वो वीडियोज़ वगैरह नहीं आ पाई, लेकिन कल से जो है वो रेगुलर वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएंगी और कल एक और इंपॉर्टेंट वीडियो भी आएगी तो वो भी आपने लाजमी देख लेनी है। आगे जो है वो ये आप आज के दिन की जो ये फाइट्स हैं वो एंजॉय सर्कल को करें। सर्कल के अंदर अपनी रसाई मुमकिन बनाई जाए, लेकिन टीम होरा और टीम द रियल सोल्जर्स फाइनली दोनों नेपाल के नाम एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। एग्जाम्पल को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लीजिए जो प्रेडिक्शन फाइट की मैंने आपको की थी वो शुरू हो चुकी है। फाल्कन्स फोर्स एक जानेब सामने ऐसे गॉनिक साइड, दोनों तरफ से ग्रेनेड एक्सचेंज किए जा रहे हैं। उजम का शानदार ग्रेनेड टॉप को नॉक डाउन जरूर कर देगा। सामने रहते एक्शन, वो अपना पोजिशन वहां से अब चेंज करते दिखाई दे रहे हैं। टीम ऐसे गॉनिक साइड ने ऑलरेडी एक एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर रखा है टीम फाल्कन्स के ऊपर, एंड लीजिए दूसरा भी कंफर्म कर लिया जाएगा। फाल्कन्स फोर्स के आखिरी खिलाड़ी, अब उनके पास और कोई चारा मौजूद नहीं था सिवाय इसके कि वो यहां से इसी स्थान में उनको एलिमिनेट किया जाता है। नाउ इट इज डाउन टू अ 4v4v3 जहां पर डीआरएस अभी भी जिंदा है। यू कैन नॉट काउंट देम आउट। तीन प्लेयर्स डीआरएस के, बिल्कुल सी आहा हा वाला स्प्रे ही था ये, जिस तरह से आपने बताया है आहा हा स्प्रे ही था ये। लेकिन डीआरएस के प्लेयर यहां पर नो को जाएंगे एंड फलक किल कंफर्म करने के लिए आगे आ सके हैं। जी हाँ, फलक डीआरएस को इम्कान ही नहीं देना चाहती ऐसे गॉनिक साइड के वो सर्कल के अंदर अपने सारे पोजीशन को यकीनी बना पाए। उजम आगे बढ़ रहे हैं बगी लेकर, स्काउट करते ज्ञानते को नीचे दिया जाएगा उजम की तरफ से, एक दर्दनाक एलिमिनेशन। एंड मुझे याद है डीआरएस ने प्राइमोस में जाकर ऐसे ही ऐसे गॉनिक साइड को एलिमिनेट किया था, लेकिन अभी के लिए आखिरी प्लेयर रह चुके हैं स्लीपी, एंड ये बहुत शानदार खिलाड़ी है, इससे बचकर खेलना है सभी टीमों को। लेकिन ही गेट्स एलिमिनेटेड सो इजीली एवरेज गेमिंग और ऐसे एक्साइटेड का एक 4v4 सिचुएशन पर आकर इस मैच का चिकन डिनर हो चुका है। टीम एचबीटी सॉरी एवरेस्ट गेमिंग गलती नहीं करना और ऐसा ही होता है। आईक्यू पहला नॉकआउट लेकर जाते हैं और A6AG इस सारी फाइट में अपर हैंड एडवांटेज ले जाएगी। फलक क्लोजिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अब यहां पर पूरी तरह से एवरेस्ट गेमिंग को पिंच डाउन किया जा चुका है। जी हाँ बिल्कुल, स्मोक्स का भी इस्तेमाल है इस एएसए गॉनिक साइट और एवरेस्ट गेमिंग के साइड के ऊपर। उजम आ चुके हैं, आईक्यू का एंगल शानदार है, वो बिल्कुल हाई ग्राउंड पर मौजूद हैं। बैकअप प्लान की सूरत में अगर चीजें खराब होती हैं तो आईक्यू मौजूद रहेंगे जो सर्वाइव कर रहे हैं। एक ग्रेनेड की मार, एवरेस्ट गेमिंग के तीन खिलाड़ी, एक तीर से तीन शिकार करना, क्या उजम कर पाएंगे? आगे बढ़ा जा रहा है एवरेस्ट गेमिंग ने, अगर स्पॉट डाउन ना किया तो ये उनके डिमाइस की वजह बनेगी। एक ग्रेनेड जाता है फलक का, आगे बढ़ते उजम और एक ही झटके में एवरेस्ट गेमिंग का नामो निशान इस मैच से खत्म जाता है। ऐसे गॉनिक्साइट अपना पहला चिकन डिनर करते हैं कंफर्म काफी ही अच्छे अंदाज़। उनकी भरमार हो रही है ग्रेनेड्स की। ऐसे गॉनिक्साइट के प्लेयर्स भी इस फाइट के अंदर अपना इनपुट देते दिखाई दे रहे। K9 टेक्स हिम डाउन एज़ वेल। K9 आगे बढ़ते हैं, K9 आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीछे से ऐसे गॉनिक्साइट उनके भी एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म करते हैं शानदार तरीके से। अपना पहला एलिमिनेशन पॉइंट तो कंफर्म कर ही लिया जाएगा, लेकिन आईक्यू नॉकडाउन जरूर है। आईक्यू को रिवाइव देना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन चुका है। दूसरा चिकन डिनर लोड हो रहा है, ऐसे गॉनिक साइट को एलिमिनेशन पॉइंट्स भी दरकार रहेंगे इस मैच का चिकन डिनर कंफर्म करने के लिए। अभी के लिए ऐसे गॉनिक साइट के अलावा दो स्क्वाड्स ऐसे हैं जिनके तीन तीन खिलाड़ी सरवाइव कर रहे हैं और लेकर्स का एक आखिरी प्लेयर है। स्मोक्स के अंदर ब्लाइंड फायर्स दिए जाएंगे, मैड बुल्स का वहां से बचकर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना दिया गया है। ऐसे गॉनिक साइड के फलक बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, रोग स्मोक्स के अंदर मौजूद है, रोग 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 बाहर निकलेंगे, फलक को गिराएंगे, आईक्यू पीछे रहते कवर देंगे, आईएचसी गेट्स एलिमिनेटेड, चार एलिमिनेशन पॉइंट्स और 8 पर इस मैच को खत्म क्या कर पाएगी, 7 पर ऐसे गॉनिक साइड, लेकिन फलक नॉकडाउन है। सामने रहते मैड बुल्स के पास ज्यादा कुछ करने को तो मौजूद नहीं है, स्मोक्स क्या उनके पास है और ये देखना आप
की है स्प्रे किया जाता है उज़म की जानिब से। एएस एगोनिक साइट एक ही दिन में दो चिकन डिनर्स यकीनी बनाना चाहती है लेकिन कवर आता है मैट बुल्स के प्लेयर्स के बिल्कुल सर के ऊपर। आईक्यू जा चुके हैं, आईक्यू के पास एंगल मौजूद है, एक को गिराएंगे दूसरे को क्या गिरा पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, एएस एगोनिक साइट इस मैच का चिकन डिनर करती है कंफर्म। एंड जी हाँ, अब खुशियां हमें चेहरों पर दिखाई दे रही है। एंड क्या बात है, क्या ही कमाल परफॉर्मेंस, 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म किए एएस एगोनिक साइट ने। जी हाँ, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का था सबको इंतजार, दो चिकन डिनर निकाले एएस एगोनिक ने, दे आर हैप्पी। लेकिन मैट बुल्स अभी भी थोड़ी सी टेंशन है, उसके बाद फिर से ये लोग खुश होते हुए नजर आएंगे। मैट बुल्स को मैंने जितना चल देखा है कोई और टीम इतना चल नहीं हुई।